ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 2 डीएक्स, इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 2 3x प्लस 2 डीएक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुरू हो गए हैं यहाँ पर इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो हम कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं पहले, तो फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है, जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो ये है हमारे पास। यहाँ से फॉर्मूला नंबर 5 से लेकर फॉर्मूला नंबर 14 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला जो है हम यूज कर सकते हैं। इट्स मीन के इसको जरा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि फॉर्मूला 5, 6 यानी कि साइन कॉस टेन कॉट इन सब का इंटीग्रेशन सेक और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास हो गए। ऑल बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके रेसिप्रोकल्स का। और इसके अलावा सेक स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सेक स्क्वायर एक्स है जिसका इंटीग्रेशन है फॉर्मूला, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। और इसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स का और कॉसेक एक्स टेन कॉट एक्स का। ये चार फार्मूलाज हमारे पास स्पेशल फार्मूलाज हैं। और इसके अलावा बाकी सब के सब क्या है, लीनियर स्केल फॉर्म के अंदर है, ये क्वाड्रेटिक के अंदर है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर बाकी फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाएगा तो वहाँ पर जो लॉजिक हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर आ जाए कॉस स्क्वायर आ जाए तो हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी फिलहाल तो हमारा साइन का फंक्शन है, तो ये फॉर्मूला नंबर 5 यूज करेंगे हम। क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। जैसे हमारे पास कॉस एक्स का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर होता है। तो इसके मुताबिक क्या है, यहाँ पर साइन एक्स का हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो बराबर होता है कॉस एक्स के। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो एक्स इसका एंगल है साइन का, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पर वन उसके तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसका एंगल डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उसके डेरिवेटिव चेक करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें जरा, चूंकि इंटीग्रेशन साइन 3x + 2 dx है, इसमें फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ एंगल का फर्क है, बाकी इसके अंदर अदरवाइज फॉर्मूला ये लग जाता है आराम से। तो एंगल का जब फर्क है तो हम चेक करेंगे कि हम इस फर्क को कैसे मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 3 आएगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, 1/3 इंटीग्रल। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन 3x प्लस 2 इंटू 3 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव उसका जो है एंगल का डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया उससे, इसको हम कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 एज इट इज। अब साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, कॉस होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स की यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x प्लस 2। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पहले से कि फंक्शन
की पावर एन और उसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो हमारे पास क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू फंक्शन टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स का स्क्वायर, में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 3, मतलब कि 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 3 एंड प्लस सी। सो दिस विल बी इक्वल टू तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ, इसका है पार्ट नंबर 5, इसका पार्ट 5 हमारे पास 3 का क्या है, इंटीग्रेशन एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है जरा देख लेते हैं, इसमें फॉर्मूलाज को देखते हैं जरा। कॉट एक्स का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास एल एन साइन एक्स। अब एल एन साइन एक्स है कॉट एक्स का फॉर्मूला, लेकिन इसमें क्या फर्क है, सिर्फ कॉट एक्स का है हमारे पास, लेकिन कॉट एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे हम बनाते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है एल एन साइन एक्स प्लस सी एल एन साइन एक्स प्लस सी। तो क्योंकि बिकॉज इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में लिखा होता है, ठीक है, इसका जो लॉजिक है क्या है, कॉट एक्स का एंगल, एक्स का एंगल क्या होता है 1x, इसका कॉट का एंगल क्या एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो साथ में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो इसका भी एंगल चेक कर लेते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर है, इसका एंगल क्या एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एंगल का डेरिवेटिव है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं आई का अपने क्वेश्चन को, आई इज इक्वल टू दिस। तो चेक करते हैं इसका एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव चेक करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर x तो शुरू में लिखा हुआ है लेकिन 2 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, तो आई क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल कॉट एक्स स्क्वायर, और इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या है 2x, x ऑलरेडी लिखा था हमने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। अब कॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, बिकॉज के एंगल का डेरिवेटिव ऑलरेडी है हमारे पास, एल एन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, जैसे कॉट एक्स का था तो साइन एक्स था, तो यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिफरेंट टाइप का करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 7 इसका, इंटीग्रल sec स्क्वायर 2ax sec स्क्वायर 2ax। अब एंगल हमारे पास क्या है 2ax,
इसको लेट कर लो आई के बराबर, आई इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर भी हमें चेक करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव ऑफ एंगल, बिकॉज हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होगी फॉर्मूला के अंदर, लेकिन 2x नहीं होगी, मतलब कि उसकी एंगल का डेरिवेटिव ऑलरेडी साथ में है 1, तो इसका फॉर्मूला क्या है चेक कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर, ये फॉर्मूला नंबर 11, दैट इज इक्वल टू tangent x, सो इक्वल टू tan x प्लस c, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसका हमारे पास डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा इसके एंगल का, एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 2ax इक्वल टू 2a, ए भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं 2a से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल sec स्क्वायर 2ax इंटू 2 a dx, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसका फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, तो बराबर हो जाएगा tan ax, tan 2x, ये हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2a एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का क्या होता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास sec स्क्वायर 2x का हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन tan, एंगल क्या है 2x, 2x प्लस c, इसको आप लेट करवा के भी कर सकते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन इतना जरूरी नहीं लेट करवा करना डायरेक्टली जब भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हम बगैर लेट क्वेश्चन के प्रयास करें, और जहां पर पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि हम जब लेट करना लाजमी हो तो वहां पर हम लेट भी कर लेंगे, डिफिकल्ट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 9 करते हैं, पार्ट 9 क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan x, dx। अब ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसका नहीं होगा, ठीक है, इसका अगर नहीं होगा तो इसके लिए हम सोचना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं, इसका tan स्क्वायर। अच्छा एक आइडेंटिटी यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी आपको, ये मैंने कहा था जब भी हमारे पास कि sec स्क्वायर या cos स्क्वायर आएगा उसका तो हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन अगर sin स्क्वायर cos स्क्वायर या tan स्क्वायर वगैरह के फंक्शन अगर आते हैं उनके लिए हम कुछ आइडेंटिटी को यूज करेंगे। जैसे हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है, हमें ये आइडेंटिटी पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू i इक्वल टू 1 इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x dx, ठीक है स्टूडेंट्स। So this will be equal to i is equal to sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर लिखा था नहीं लिखा, देख लेते हैं sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। sec square का x तो tan x होता है, ठीक है, और tan x का क्या होता है ln sec x, तो इनको अप्लाई कर देते हैं, so this will be equal to
sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास टेन एक्स प्लस टू एल एन sec x प्लस सी. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 11 कर लेते हैं. इंटीग्रेशन e टू द पावर 3 cos 2x इंटू sin 2x dx. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अभी हमें सॉल्व करना है. इसमें देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट कर लेता हूँ कि फंक्शन इसको लेट कर लेता हूँ, उसका डेरिवेटिव इसको, तो मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए इसके में. तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अगर इस फंक्शन को इसको लेट कर लेता हूँ फंक्शन, तो साथ में इसकी जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं उसका पावर का डेरिवेटिव चेक करते हैं. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी, यानी कि इसकी पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए साथ में, जो कि वन है यहाँ पर इस फॉर्मूला में. तो इस तरह से हमारे पास उसका इंटीग्रेशन जो है वही आ जाता है सिंगल. तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए. ठीक है, तो अगर वो है तो हमारे पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन खुद ही होगा. सो लेट आई इक्वल टू दिस एंड लेट वी चेक द डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर डी ओवर डी एक्स थ्री कॉस टू एक्स इक्वल टू थ्री कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, कॉस का जो डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टू एक्स माइनस साइन टू एक्स. ठीक है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल चेन रूल अप्लाई करेंगे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या होगा टू होगा. सो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस का थ्री टू द सिक्स साइन टू एक्स. तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव इसका क्या है, साइन टू एक्स तो है लेकिन सिक्स नहीं है, माइनस का सिक्स भी चाहिए हमें. तो क्या कर लेते हैं, माइनस के सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं अपने इंटीग्रल आई को. सो दिस विल बी इक्वल टू आई इक्वल टू माइनस का वन अपॉन सिक्स इंटीग्रल ई टू द पावर थ्री कॉस टू एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दूंगा माइनस का सिक्स साइन टू एक्स डी एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का वन अपॉन सिक्स. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होगा ई टू द पावर थ्री कॉस टू एक्स प्लस सी, थ्री कॉस टू एक्स प्लस सी. सो दिस इज आवर आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा करने जा रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिमिलर है उसको मैं स्किप कर दूंगा. नेक्स्ट के अंदर फॉर्मूला लगा है प्लस बी का होल स्क्वायर सिमिलर है, दोबारा से ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर में कर लेता हूँ 14, इसका पार्ट 14 मैं करता हूँ. इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस कॉसेक कॉसेक टू एक्स कॉसेक टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट इसको आई लेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर का जो है डिनोमिनेटर की होल पावर के लीनियर है, और उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में होना चाहिए लेकिन नहीं. ठीक है, तो इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको फंक्शन को जो है इनके रेसिप्रोकल से चेंज कर दूँ. जैसे कि हमारे पास कॉसेक टू एक्स है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है कि साइन एक्स बराबर होता है वन अपॉन कॉसेक एक्स एंड वाइस वर्सा.
एंड इसके अलावा मुझे पता है टेन एक्स बराबर होता है 1 अपॉन cos x, हाँ cot x एंड वाई वर्सा। लेकिन मैं अगर टेन भी इन्वॉल्व कराऊंगा तो मुझे फायदा नहीं होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे पता है एक आइडेंटिटी का, एक टेन या cot की आइडेंटिटी होती है, टेन बराबर होता है मुझे पता है, आई नो दैट टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, जब मैं कॉस एक्स को साइन में कन्वर्ट करूंगा तो इसको भी कॉस एक्स कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। और मुझे पता है कि टेन का रेसिप्रोकल क्या कॉट है, तो कॉट एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ये एंड ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी एक्स अपॉन कॉस एक्स टू एक्स किया पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन 2x 1 अपॉन साइन 2x माइनस कॉट 2x की पर क्या आ जाएगा कॉस 2x डिवाइड बाय साइन 2x कॉस 2x डिवाइड बाय साइन 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन इनका जब हम एलसीएम ले लेंगे डी एक्स अपॉन इसका एलसीएम क्या आएगा साइन 2x कॉमन फैक्टर इसका यही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय साइन 2x 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय साइन 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल साइन 2x डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2x डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कैसा बन गया है, अब अगर मैं चेक करूँ तो डिनोमिनेटर अभी भी क्या लीनियर है, तो वही प्रॉपर्टी के डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है न्यूमिनेटर में होना चाहिए 4 होल पावर लीनियर। ठीक है, तो मैं नेचुरल लॉग का जो है फॉर्मूला उसको अप्लाई कर सकता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसके अब डिनोमिनेटर का जो है डेरिवेटिव जो, इसको चेक कर लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का माइनस sin 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या हो जाएगा चेंज होगा 2 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 टाइम sin 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक पर जी साइंटिस्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 2 sin 2x, साइन 2x ऑलरेडी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं अपने आई को, सो आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 2 sin 2x डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2x डी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x डी एक्स इक्वल टू ln x + c। यहाँ पर क्या है, अपॉन में x है, ऑल होल पावर इसकी क्या लीनियर है और इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, सो दैट इज इक्वल टू ln x + c। सो दिस विल बी इक्वल टू ln, डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस cos 2x प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
इसको हम मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, डबल एंगल को ख़त्म कर सकते हैं इसके अलावा, बिकॉज हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ln 1 माइनस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स के, 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स के। ये फॉर्मूला है हमारे पास डबल एंगल का, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड पे, साइन स्क्वायर एक्स का रिलेशन जो होता है हमारे पास 1 माइनस होता है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 1/2 ln, तो ln की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पर, ln 2 प्लस ln साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम रूल यहाँ पर लग गया, एंड प्लस सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ln 2 प्लस 2 टाइम्स ln साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स। ठीक है, हो जाएगा साइन एक्स, एंड प्लस सी 1/2 को मैं अप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, एल एन साइन एक्स एंड प्लस इसको बोलता हूँ सी प्राइम। ठीक है, और वेयर सी, क्योंकि सी हमारे पास कांस्टेंट है और सी हमारे पास कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पता है कि ये टर्म भी कांस्टेंट है और ये भी टर्म कांस्टेंट है, दोनों टर्म्स कांस्टेंट को मैंने कंबाइन कर दिया, और आई कैन राइट दिस सी इक्वल टू सी प्राइम इक्वल टू सी प्लस वन एल एन टू अपॉन टू, सो दिस इज आवर आंसर।